धान की नर्सरी में सभी प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करने की सबसे अच्छी दवा जो साथी नाम की हर्बिसाइड आती है, ये काफ़ी अच्छी दवा है जिसमें पायराजोसफल फ्यूरान इथाइल 10% WP में आता है, जो कि धान की नर्सरी के लिए स्पेशल हर्बिसाइड तैयार किया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नर्सरी को उगाते समय यानी जब बीज आप डाल रहे हों तो आपको कैसे इसको प्रयोग करना है, कितनी मात्रा रखनी है, और अगर आप किसी कारणवश उस समय नहीं प्रयोग कर पाए हैं तो धान की जो नर्सरी तैयार हो चुकी है, पहला पानी आप दे रहे हैं, तो आप कैसे खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। कितने मिनट का डालना है? अगर आप चाहते हैं कि पानी के बहाव के साथ इसको हम डालें, यानी नर्सरी आपकी तैयार हो चुकी है और किसी कारणवश आप रोपाई के समय इसको नहीं दे पाए हैं, तो आप किसी में घोल आपको इसको बना लेना है। अगर आपने एक एकड़ के लिए नर्सरी तैयार की है तो आप 50 ग्राम जो है साथी ले सकते हैं, इसको आपको घोल बनाकर पानी के बहाव के साथ में दे देना है। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वहाँ पर आप चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय करें और पानी के बहाव के साथ आप देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसा कि पानी जहाँ से ट्यूबवेल से चल रहा है या किसी भी हैंडपम्प से चल रहा है, तो उसमें आप जा करके वहाँ पर इसको छोड़ दें और धीरे धीरे बहा सकते हैं। अगर ये समस्या इसमें आ रही है, आप ऐसे नहीं पानी के बहाव के साथ देना चाहते हैं, तो आप किसी भी रेत में मिलाकर दे सकते हैं, लेकिन ये आपको अगर रेत में मिलाकर देनी है तो शाम के समय दें, पौधे पर ओस ना पड़ी हो, और सिंचाई से ठीक पहले दें। रेत में मिलाकर जो हमने डोज बताई है, वहीं 50 ग्राम आप एक एकड़ की नर्सरी अगर तैयार किए हैं उसमें आप 50 ग्राम साथी मिला लें मिट्टी में अच्छे से मिक्स्ड करने के बाद उसको आप पहले नर्सरी में फैला दें, बाद में आपको सिंचाई कर देनी है। नर्सरी का बीज डालने के बाद भी आप रेत वाला जो फार्मूला है इसको प्रयोग कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं, या फिर आप ऐसा करें जब उसमें पानी बिल्कुल सूख जाए तब आपको क्या करना है, जो उपलों की राख होती है उसमें इसको मिलाकर और हल्की उसमें रेत मिलाकर आप जब बिल्कुल पानी सूख जाए, ऊपर दाने दिखाई देने लगते हैं, तो चाहें तो उसको डाल देंगे तो काफ़ी अच्छा काम करेगा, क्योंकि ऊपर एक लेयर बन जाएगी और जो दाना है और जो शेष खाली जगह है वो मिट्टी से ढक जाएगी और उस केमिकल से ढक जाएगी, तो वहाँ पर नए जो खरपतवार हैं वो नहीं निकलेंगे। अगर नर्सरी आपकी तैयार हो गई है तो पानी के बहाव के साथ और रेत में डालने से जो छोटे मोटे खरपतवार निकलते हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे, तो इस तरह से आप नर्सरी के खरपतवार खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।